टुडे वी विल गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 4, बर्ड्स एंड देयर बीक्स। बर्ड्स और उनके बीक्स यानी चोंच। बर्ड्स आर ब्यूटीफुल क्रिएचर्स डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। बर्ड्स भी आपने देखी होंगी, ब्यूटीफुल काफ़ी सुंदर क्रिएचर्स प्राणी होती हैं। डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी कि प्लांट और एनिमल्स से डिफरेंट होती हैं, अलग होती हैं। दे आर द एनिमल्स विथ फैदर्स, ये वो एनिमल्स होती हैं जिसमें पंख होते हैं। देयर आर अबाउट 8,600 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, इनकी कितनी जातियाँ पता चली हैं, 8,600 स्पीशीज यानी जातियों का पता चला है या इतनी जातियाँ हैं। बर्ड्स हैव लाइट बॉडीज, इनकी जो बॉडीज होती है हल्की होती है। दे हैव वेल फॉर्म्ड विंग्स अटैच्ड टू देयर बॉडी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स यानी स्ट्रॉन्ग मसल्स की हेल्प से इनके जो विंग्स होते हैं वो बॉडी से अटैच यानी जुड़े हुए होते हैं। ए बर्ड फ्लैप्स इट्स विंग्स इन बोथ डायरेक्शंस, फ्लैप यानी फड़फड़ा सकते हैं जैसे ये दिखाया जा रहा है पिक्चर में, बोथ डायरेक्शन यानी ऊपर और नीचे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस टू फ्लाई यानी ऊपर उड़ने के लिए और डाउनवर्ड नीचे उड़ने के लिए, ये दोनों डायरेक्शन में अपने पंखों को फड़फड़ा सकते हैं। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स इज नोन एज अप स्ट्रोक, ऊपर की ओर जब फड़फड़ाते हैं उसे हम बोलते हैं अप स्ट्रोक। द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स इज नोन एज डाउन स्ट्रोक, और जब नीचे की ओर फड़फड़ाते हैं तो उसे हम डाउन स्ट्रोक कहते हैं। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन फेदर्स एंड विंग्स, यहाँ पे क्वेश्चन है कि फेदर्स और विंग्स में क्या डिफरेंस होता है। फेदर्स आर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, फेदर्स जो होते हैं इस हेयर लाइक यानी कि बहुत ही महीन स्ट्रक्चर होते हैं। दे कीप द बॉडी वार्म, जो बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, और ये अलग अलग कलर्स के होते हैं। दे आर वेरी लार्ज इन नंबर, और कई मतलब संख्या में ज़्यादा होते हैं। विंग्स जो होते हैं, विंग्स आर द लार्ज स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द बॉडी। विंग जो होते हैं लार्ज स्ट्रक्चर ये बड़े होते हैं, ये बॉडी से अटैच रहते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल, मसल की सहायता से। विंग्स हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, और ये विंग्स जो होते हैं बर्ड को फ्लाई यानी उड़ने में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ तक चैप्टर रिवाइज करेंगे, आगे चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।